हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। आज मैं बात करने वाला टोयोटा BZ4X इलेक्ट्रिक SUV के प्रोडक्शन वर्जन के बारे में, जो कि ऑफिशियली जो है वो अनवील्ड हो गया है। फ्रेंड, मैं बात करने वाला कहूँ टोयोटा की फर्स्ट इलेक्ट्रिक SUV जो कि हमें BZ4X देखने को मिलती है। फ्रेंड, इसके अंदर में किस तरह के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, ड्राइव रेंज एंड और भी किस तरह के यूनिक फीचर्स के साथ जो हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो टोयोटा ब्रांड है उसने अपनी जो BZ सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर में डेडिकेटेड बैटरी पावर्ड लाइनअप भी जो है वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिक SUV है फ्रेंड, हमें टोयोटा का जो ETNGA प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर हमें बेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंक्रीज कैबिन स्पेस एंड इम्प्रूव चेसिस रिगिडिटी के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसके एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर में शार्प लाइन ऑल एक्रॉस, स्लिम LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट्स जो कि हमें LED बार के साथ देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें लार्ज 20-inch के एलॉय व्हील्स, काफ़ी सारे फीचर्स हमें इसके एक्सटीरियर में देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इंटीरियर के अंदर हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्ज सेंटर डस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ हमें कनेक्टेड कार टैग, ओवर द एयर अपडेट्स, योक स्टाइल स्टीयरिंग व्हील एंड फ्रंट रियर पैसेंजर के साथ हमें लार्ज 452 लीटर का बूट स्पेस भी जो है हमें देखने को मिलेगा। पावर ट्रेन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें 71.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलेगी, जो कि हमें AC सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड इसके अंदर हमें 2WD ऑप्शन एंड 4WD ऑप्शन भी जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में 80 किलोवाट की जो मोटर है उसके रियर में देखने को मिलेगी। एंड जो 2WD वर्जन है उसके अंदर में 201 BHP का पावर, एंड टॉप एंड मॉडल जो कि 4WD वेरियंट में देखने को मिलता है उसके अंदर में 215 BHP का जो पावर है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके सिंगल चार्ज के बारे में बात करूँ तो फिर जो कार है फ्रेंड, हमें 500 किलोमीटर के सिंगल चार्ज के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड इसका जो 150 किलोवाट का जो फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है उससे जो 80% जो है वो 30 मिनट्स के अंदर ही जो है वो चार्ज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड, और अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अभी एक नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमेटिक वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।